हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो बज रहे हैं करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं। तो बच्चे और हस्बैंड चले गए हैं अपने अपने काम पर, बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड काम पर। तो यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग टास्क, तो 60 मिनट का टास्क कर रही हूँ मैं। और अभी करीब 9 बजे का टाइम हो चुका है और मैं आपको एक बार पूरा घर दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बेडरूम की हालत देखिए कितना ख़राब हो रहा है, कितना ऐसे में से हो रहा है। तो यहाँ पर भी कपड़े फैले पड़े हैं, बच्चे भी गए हैं ना, बच्चे वगैरह चेंज करके गए हैं। तो यहाँ पर भी, और ये हस्बैंड ने सब्जी ला कर दिया था बनाने के लिए, तो ये है मशरूम और धनिया। तो बस ये सब्जी वगैरह भी आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह भी अभी मैंने नहीं उठाई है, कुछ भी नहीं किया है, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं किया है। देखिए पूरा घर अच्छे से क्लीन करना है मुझे एक बार। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ किचन की हालत। ये देखिए यहाँ पर किचन की भी हालत देखिए कितनी ख़राब हो रही है। और ये देखिए, रात में बर्तन धोकर सोई थी लेकिन फिर भी ये देखिए सभी गिलास जूठे पड़े हुए हैं, क्योंकि रात के समय में बाद में दूध वगैरह लिया, पानी वगैरह, और सुबह में चाय वगैरह पी कर गए। तो ये देखिए यहाँ पर सभी बर्तन रखे हुए हैं। ये मैं सुबह में अजवाइन का पानी पका कर पीती हूँ, तो ये वही अजवाइन है। और यहाँ पर मैंने बच्चों को दी थी माइक्रोनी बनाकर नाश्ते में, तो ये माइक्रोनी बनाई थी वो रखी हुई है। और ये थोड़ा सा बचा हुआ दूध रखा हुआ है और चाय वगैरह। ये देखिए सब पूरा मैसी मैसी सा हो रहा है। तो दूसरा सेकंड रूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए इस रूम की भी हालत कुछ इस तरह से हो रही है। यहाँ पर भी बच्चों के कपड़े वगैरह ही रखे हैं, और ये बच्चों की कुछ बुक्स वगैरह, ये हस्बैंड के कपड़े वगैरह पड़े हैं, और कुछ सामान वगैरह रखा है। तो ये देखिए लिफाफे के कपड़े हैं, और कल शाम के टाइम मैंने धोए थे कपड़े, तो ये देखिए ये धुले हुए कपड़े हैं। तो ये टब कपड़ों का धुला हुआ है, बस मैं इनको ऊपर सूखने डालने जाऊंगी। तो मैं पहले सबसे पहले यही काम करूंगी, मैं सबसे पहले इन कपड़ों को ऊपर सूखने डालाती हूँ, और उसके बाद मैं अपना ये क्लीनिंग का टास्क स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पढ़नी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं ऊपर कपड़े सूखने डालती हूँ, और फिर आकर नीचे से क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नीचे की क्लीनिंग में लगेगा टाइम। और जब तक मैं नीचे की क्लीनिंग करूँगी तब तक ऊपर के कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और अभी 9 बज चुके हैं, तो बहुत अच्छे से धूप भी निकल आई है। बस दिखाती हूँ, देखिए धूप बहुत अच्छे से निकल आई है। तो चलिए फिर पहले ऊपर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पर, और बस अब मैं छत पर फटाफट से सारे कपड़े फैला लूँगी। और देखिए धूप कितनी अच्छे से निकली हुई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है और हवा भी उतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो हवा की वजह से कपड़े उड़ उड़ के मतलब गिरने लग रहे थे बार बार, लेकिन फिर भी मैंने फैला दिए हैं। और मैं चिमटे लाने भूल गई थी, तो मैंने कपड़े ऐसे ही फैला कर चली गई थी नीचे। और यहाँ पर ये जेठानी की लड़की आई हुई है, आज इसने स्कूल की छुट्टी करी थी तो ये भी घर पर ही थी, तो ये छत पर आई हुई थी घूमने के लिए अपनी। ऊपर मतलब छत हमारी दोनों की मिली हुई है, तो इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पर जेठानी जी आई थी, तो मिक्सी का जग वगैरह कुछ लेने वगैरह आई थी, तो बस। और फिर यहाँ पर मैंने बेड में अपना उछाड़े वगैरह धोए थे रजाई के, और वो भी धुल के सूख चुके थे, तो मैंने बेड में रख दिया। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक कर दी है पूरी। तो इस रूम की क्लीनिंग हो चुकी है मेरी, और अब मैं आ चुकी हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में मैंने अच्छे से कपड़े वगैरह तय करके सारी बेडशीट वगैरह ठीक कर दी हैं। तो दोनों रूम की बेडशीट ठीक करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि थोड़ा सा ही काम करने पर किचन पूरा ख़राब हो जाता है ऐसे, मतलब पूरा खिलारा सा मच जाता है और देखने में बहुत बुरा लगता है ये सब। लेकिन सुबह सुबह के टाइम में ऐसा हो ही जाता है, तो यहाँ पर टाइम नहीं लगता है, अगर करने लगो तो 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो फटाफट से पूरा किचन में पहले जैसे सामान सारा उठाकर समेट दूँगी, और यहाँ से सारा सामान वगैरह समेटने के बाद देखिए पूरी किचन को अच्छे से मैं सर्फ से धोकर वही साफ कर लूँगी अपना, मेरा पहले वाला एक ही है। तो बस पूरी तरह से किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद अब मैं करूँगी अपने बर्तन वॉश। तो यहाँ पर थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, ज़्यादा गिलास वगैरह ही थे, क्योंकि पानी वगैरह चाय वगैरह के गिलास ही हो जाते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर लगे हाथ फटाफट से सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद सिंक का एरिया है, जो ये भी मैं अच्छे से सिंक का एरिया को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी जब बर्तन वगैरह वॉश करो तभी साफ़ हो जाए तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर बस चूने से रगड़ कर अच्छे से मैंने सिंक को भी धो लिया है।
और जितनी बार भी बर्तन धुलते हैं मेरा सिंक उतनी बार ही धुलता है, क्योंकि हर बार बर्तनों के साथ साथ सिंक को भी मैं बर्तनों की तरह ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें चावल वगैरह दाल वगैरह वॉश करती हूँ तो कई बार गिर जाती है इसलिए। और यहाँ पर देखिए पूरा किचन क्लीन होने के बाद अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू, तो रूम में मैं लगा चुकी हूँ और रूम का मतलब कूड़ा वगैरह उठाने के बाद बस गैलरी वगैरह में यहीं पर रह गई थी। किचन में जैसे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बैठ कर लगाऊँगी पोछा, क्योंकि बैठ कर पोछा लगाने से 32 बार वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना पड़ेगा। घर के इन छोटे छोटे कामों से ही हम अपना वजन भी घटा सकते हैं और घर भी क्लीन हो सकता है, अच्छे से घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा वजन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जितना मेरे से हो सके घर का काम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कोई घर में मतलब काम करने वाला साथ में भी नहीं है, तो घर का खाने से लेकर घर के पूरे झाड़ू पोछू कपड़े सभी काम मैं खुद से करती हूँ। और यहाँ पर देखिए पूरी क्लीनिंग वगैरह सफाई वगैरह सारी करने के बाद जो मैंने कल शाम के टाइम कपड़े धोए थे तो वो भी मैं ऊपर सूखने डालकर आ चुकी हूँ। मैंने उनके उतार कर भी लाना है और उनको तय वगैरह भी लगाना है। और यहाँ पर देखिए सीढ़ियों पोछा वगैरह लगाकर नीचे का पूरा बाहर का मेन गेट वगैरह सभी साफ़ कर लिया था मैंने। उसका सबका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो शूट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर आप लोग जो होता वीडियो लंबा देखते भी नहीं हो, तो इसी वजह से बस मैंने पूरा घर नीचे से क्लीन करके आने के बाद ऊपर आकर ये वाश बेसिन वगैरह धोया है, बाथरूम वगैरह साफ़ किया। तो ये सब धोकर बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ का मेरा थोड़ा सा पोछा वगैरह जो रह गया है वो दोबारा से मैं लगा लूँगी। और इसके बाद यहाँ पर ये सब मेरा पोछा वगैरह लग गया, मैं आपको एक बार पूरा घर अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरे घर की मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, पूरा कमरा देखिए। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बननी रख दी थी क्योंकि नहा कर आई थी, तो घर आते ही मैंने सबसे पहले मसाला भुनना रख दिया था। यहाँ पर मसाले और मटर को मैंने मिक्स करके भुनना रख दिया था क्योंकि मुझे बनानी है जल्दी से सब्ज़ी भी। तो मेरे घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और ये मैं कपड़े लेकर आई हूँ ऊपर से सूखे हुए, तो बस अब इनको तय लगाना है। यही काम मेरा रह गया सिर्फ इन कपड़ों को तय लगाने का, और बाकी का मेरा ये देखिए सारा काम हो चुका है पूरा घर में। आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, बस ये तीन कट्टे वगैरह इनके रखे होंगे लिफाफों के, तो ये भरने के लिए रखे हैं पन्नी में। और यहाँ पर पोछा भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। और ये देखिए सीढ़ियाँ मेरी अच्छे से पूरी क्लीन हो चुकी है, नीचे की मैं क्लीनिंग कराई थी पूरी की। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना मॉर्निंग का टास्क कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पर अभी बज चुके हैं करीब 12 बजे का टाइम हो चुका है। और देखिए यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग हो रखी है, लेकिन आज हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही है तो मैंने कपड़े यहाँ पर डाले हैं कुछ सूखने के लिए। और घर फिर से मिट्टी मिट्टी हो गया इसलिए दरवाज़ों को करके रख रही हूँ बंद। तो यहाँ पर देखिए पूरा बेड मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका था, साफ हो गया। और ये जो कपड़े धोए थे मैंने सूख गए हैं, तो ये मैं कुछ कपड़े जो पूरे वगैरह नीचे ले आई थी, देखिए यहाँ पर मैं सभी कपड़ों को भी उठा लाई हूँ और ये सारे कपड़े मैं लेकर आ गई ऊपर से उतार कर, क्योंकि अभी ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और सभी कपड़े गिर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर भी सारी क्लीनिंग वगैरह मेरी अच्छे से हो चुकी है। और बेडरूम दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर बेड की पूरे अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, तो देखिए यहाँ पर पूरे बेड मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है और रूम मेरा अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, सारी सफाई मैंने कर ली है। और किचन की बात करूँ तो देखिए किचन भी क्लीन हो चुका है। और बस मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि सब्जी भी बन चुकी है, आटा भी लगा दिया है, तो बस अभी करीब 12:30 हो गए हैं, 1:30 बजे तक आ जाएंगे बच्चे। तो जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं रोटी बनाकर रख लूँगी। हस्बैंड आ गए हैं और वो नीचे गए हुए हैं अभी, और जब तक ऊपर आएंगे तब तक खाना वाना बना लूँगी, नहा धो भी लूँगी दोबारा से एक बार क्योंकि क्लीनिंग वगैरह की थी, तो क्लीनिंग करने के बाद भी फिर से दोबारा नहाना पड़ता है। और यहाँ पर धूप देखिए कितनी अच्छी निकली हुई है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है पर धूप अच्छी लग रही है हवा में, इस वजह से मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ। थोड़ी देर धूप लगाऊंगी उसके बाद बनाऊंगी खाना और इस वीडियो को करूँगी हिपर एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।